हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस भोपाल में, जो आपको प्रोवाइड करता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। दोस्तों, मैं हूं अनिल पाटीदार और मैं आपसे बात कर रहा हूं लगातार पॉलिटी के मुद्दे पर, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न आ सकते हैं ना एग्जाम में, हम उसकी चर्चा इस वीडियो के दौरान करेंगे। यानी लगातार हमारे वीडियोज आप देख रहे होंगे और आपके डाउट्स भी लगातार क्लियर होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल कॉमेंट्स कर सकते हैं, हम लोग उसका जवाब बिल्कुल जहाँ तक पॉसिबल होगा हम लोग आपको देंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते आज से कुछ नई बातों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार एक एक टॉपिक निपटा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है बड़ा कमाल का है, कि जिसका नाम है प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज इस प्रस्तावना की चर्चा करते हैं, आखिर क्या है इस प्रस्तावना में और क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन कैसे बनते हैं आखिर इस प्रस्तावना से। देखिए, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि जब आप कोई निबंध लिखते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? आप सबसे पहले लिखते हैं ना इंट्रोडक्शन। आप सबसे पहले लिखते हैं, हिंदी वाले तो लिखेंगे प्रस्तावना ही शब्द लिखते हैं। आप जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, वही इंट्रोडक्शन हमारे संविधान में भी जब लिखा गया था, तो संविधान में आर्टिकल की शुरुआत होने से पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो उसका परिचय है, वही है आपका प्रस्तावना, वही आपका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जब हम लोग निबंध लिखते हैं तो हमारे इंट्रोडक्शन में हम वो चीज लिख देते हैं कि क्या हम इस निबंध में बताने वाले हैं या किसके आसपास घूमेगा। तो मेन जो हमारे देश के, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो इसमें लिखा हुआ है और आज हम उसको ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो जो संविधान लिखा हुआ है शब्दशः, उसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर मतलब समझेंगे इसका, एक एक शब्दों के मतलब लिखे गए हैं आपके सामने। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रीएम्बल लिखा हुआ है, एक तरफ आपके सामने अंग्रेजी में है, मैं दोनों ही पढ़ दूंगा। और पहली बात तो ये कि प्रीएम्बल भले ही हम लोग समझते हैं कि ये संविधान में लिखा हुआ है और ये 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का हिस्सा बन चुका था, लेकिन ये प्रीएम्बल पहले भी जवाहरलाल नेहरू ने इसकी घोषणा कर दी थी, और ये घोषणा तब करी थी जब हमारे देश में संविधान बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो लगातार मीटिंग कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तीसरी जो मीटिंग थी, शायद आपको याद रही होगी, तीसरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग थी, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तीसरी बैठक हुई थी, तीसरी सिटिंग हुई। इस थर्ड सिटिंग में ही उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने, एक हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अनाउंस किया था, एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, जिस जो जो लाइन उन्होंने बोली थी उस समय, जिस तरीके का फॉर्मेट उन्होंने बनाया था, वही फॉर्मेट हमने यहाँ पर रखा है, वही आगे जाकर के प्रस्तावना बना। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रस्तावना किसका अर्लियर क्या कहलाता था, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, वो उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल करके प्रस्तावना बना। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थर्ड सीटिंग से आता है। ध्यान रखना, कौन सी सीटिंग से आता है, तीसरी सीटिंग से इसका जो है जुड़ाव आता है। आइए दोस्तों, अब आगे समझते हैं, इसको पढ़ते हैं अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनली जो लैंग्वेज में लिखा गया है वो इंग्लिश भाषा है, हिंदी तो जस्ट उसका ट्रांसलेशन है, और हमारे प्रस्तावना जो ली गई है ये यूएसए से लिया गया, पूरा फॉर्मेट जो है कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया। तो इसका कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यानी भारत को हम कैसा बनाएंगे, सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन जस्टिस। जस्टिस को हम लोग सिक्योर करेंगे, लेकिन किस प्रकार के जस्टिस को, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो लोगों के बीच में इकोनॉमिकल पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस को यहाँ पर सिक्योर करने का प्रयास किया जाएगा। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लोगों के अंदर सोचने की शक्ति, थॉट्स अपने विचार देने की शक्ति, एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। तो लोगों को लिबर्टी होगी अपने विचार व्यक्त करने की, लोगों को लिबर्टी होगी अपने एक्सप्रेस करने की बातों को, लोगों को लिबर्टी होगी बिलीफ्स की, लोगों को लिबर्टी होगी अपने फेथ बताने की, और लोगों को लिबर्टी यहाँ पर होगी वर्शिप की, यानी पूजा करने की लिबर्टी यहाँ पर, अपने जिसको भी गॉड को पूजना चाहे, जिसको वो मानता हो, किसी विचारधारा को फॉलो करता हो, सारी की सारी पावर उसको यहाँ पर दी गई है।
इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट एमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, सभी लोगों के बीच में भाईचारे जैसी भावना को प्रमोट किया जाएगा, एंड फ्रेटर्निटी अशोरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी और इंटीग्रिटी को ही मेंटेन करना है, देश के टुकड़े नहीं होना चाहिए, देश को एकजुट बांध के रखना है लोगों के अंदर भी, और पूरे देश को हम लोग ज्योग्राफिकली भी नहीं तोड़ना चाहते। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November, 26 नवंबर की बात हो रही है, वी डू हियर बाय अडॉप्टेड इनेक्टेड एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान को हम अपनाते हैं 26th of November को, और ये सारी बातें उसमें कही गई हैं। अब क्वेश्चन आप सोच रहे हैं कि सर क्वेश्चन ऐसा कैसा आएगा, क्वेश्चन इन इन शब्दों से क्वेश्चन आता है, जो आपको कुछ वर्ड दिख रहे हैं ना आपको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल सेक्युलर, इन सबके मतलब पूछे जाते हैं, और इन्हीं सबके मतलब को हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और पूजा की स्वतंत्रता स्थिति और अवसर की समानता और इन सभी के बीच प्रचार करने के लिए और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा दिया जाएगा। और हमारे संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतत द्वारा हम संविधान को अपनाते हैं, संविधान को आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं। तो ये सारी बातें उस दिन कही गई थी। तो ये जो शब्द हैं उसी के मायने आपको न रटना है ये, और न ही कभी आपसे सब पूछा जाएगा, लेकिन आपसे जरूर पूछ सकता है कि कौन से शब्दों को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया। तो फिर आपको ये शब्द याद रखने पड़ेंगे, आपको शब्द याद रखने पड़ेंगे जस्टिस न्याय, आपको याद रखने पड़ेंगे लिबर्टी, आपको याद रखने पड़ेंगे इक्वालिटी, आपको याद रखने पड़ेंगे फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सॉवरेन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, इन शब्दों को जोड़ा गया है इसमें, बाकी दूसरे शब्द आपको नहीं मिलेंगे। यही मेन मोटिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का। आइए दोस्तों एक एक करके क्यों ना हम इन सब इन विषयों को ही समझ लें, इन टॉपिक के जो वर्ड दिए गए हैं, आइडियल वर्ड दिए गए हैं, क्यों ना हम इनके उत्तर जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो हमारे जो वर्ड हम जिनकी बात कर रहे हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बनाते हैं या देश का नेचर बनाते हैं, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य की जो प्रकृति है वो किस तरह की है। तो इंडिया एक सोवरिन कंट्री, सबसे पहले एक शब्द आता है दैट इज सोवरिन, सोवरिन का मतलब होता है संप्रभु। तो सोवरिन का मतलब क्या होता है, संप्रभु। आप इस लाइन को पढ़ने से पहले ही केवल वर्ड पर ध्यान दें, संप्रभु को अब हम लोग अगर इसको मैं अगर संधि विच्छेद करता हूँ, देखो हिंदी से बड़ा अच्छा समझ में आएगा, एक ये है स्वयं, स्वम, स्वम का मतलब होता है स्वयं, स्वम प्रभु का मतलब के प्रभु, यानी अब हमारे कर्ता धर्ता हम खुद हैं, हम किसी के गुलाम थोड़ी ना है। स्वयं के प्रभु का होना मतलब मैं खुद का प्रभु हूँ, खुद का डिसीजन ले सकता हूँ, मतलब ये नहीं कि भगवान को नहीं मानता, मतलब मैं अपने ऊपर किसी के ऊपर किसी का बाउंडेशन मेरे ऊपर नहीं है, मैं अपना इंडिपेंडेंट हूँ अपने डिसीजन लेने के लिए। तो जब भारत अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन खुद ले सकता है, भारत को कोई दूसरा देश गवर्न नहीं कर सकता, नहीं हम लोग किसी का कॉलोनी है, जब भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत पर किसी का राज नहीं चलता है, भारत पूरी तरह से इंटरनली और एक्सटर्नली हम फ्री हैं, तो उसको बोलते हैं सॉवरिन, उसको बोलते हैं संप्रभु। यानी इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली सॉवरिन है, भारत आंतरिक और बाह्य रूप से संप्रभु है, यानी किसी दूसरे की हम कॉलोनी नहीं है, हम गुलाम थोड़ी ना है। तो हम कब बने ये सब, अब बताइए, क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन इंडिया बिकम्स सॉवरिन, इंडिया बिकम्स सॉवरिन एट द डेट ऑफ 26th of January 1950 में ही भारत, 26 जनवरी 1950 को ही भारत क्या बना था, सोवरिन बना था। क्यों, अब आप सोच रहे हैं कि सर
15 अगस्त को तो हम लोग आजाद हो गए थे, 15th of August 1947 को इंडिया फ्री हो गया था, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को जो सोवरनिटी मिली वो कब मिली, हमको मिली 26th of January 1950। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लागू हो गया, इसका मतलब हमारे पास पावर आ गई, अथॉरिटी आ गई, पार्लियामेंट बना सकते हैं, रूल बना सकते हैं। उससे पहले क्या था, इंडिया में सबसे ऊपर जो होते थे वो गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 1947 में देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब भी लॉर्ड माउंटबेटन है। तो कहीं ना कहीं फिर भी रिपोर्ट किसको भेजनी पड़ रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर रूल चल रहा था। और जब वो खत्म हो गया पूरी तरह से, गवर्नर जनरल खत्म हो गए, इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ना पोस्ट आ गया, और वो भी कैसा पोस्ट आ गया, वो भी इलेक्टेड पोस्ट आ गया। इसी वजह से हम उस दिन ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, और उसी दिन हम संप्रभु हुए थे, सॉवरेन हुए थे। तो ध्यान रखना, इंडिया बिकम सॉवरेन कंट्री ऑन 26th of January 1950 when the Constitution of India enacted, enforced. Next, आपका next जो word है वो बड़ा interesting है, एक sovereign हो गया, दूसरा है socialist. Socialist वो समझना, socialism का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये word पहले नहीं था, समाजवादी शब्द हमारे Indian Constitution में जोड़ा गया था, और जोड़ने के लिए किया गया था 42nd Constitutional Amendment. Constitutional Amendment किया गया था, और वो किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, और वो किया गया था 1976 में किया गया था बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था, ये चेंज किया था। क्या चेंज किया था, ये कि 42वां संविधान संशोधन लाकर के सोशलिस्टिक शब्द जोड़ा था। What is the meaning of this socialistic word? या जिस socialism का मतलब क्या होता है? Socialism एक विचारधारा है जो कि European जगह से philosophy है, जो Europe से निकल के आई थी, और ये हमने हमारी India की economy में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, अगर मैं आपको Karl Marx की theory समझाना शुरू करूँ, तो आपने सुना होगा Karl Marx की जो Marxism, Marx की जो theory है, थोड़ा Marx की theory पे भी आते हैं हम लोग। ये क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला था कि चाहे कुछ भी हो इंडिया, दुनिया में कुछ भी हो, तो चाहे गरीब आदमी हो ना, एक तो पहले इन्होंने एग्जांपल दिया, क्या एग्जांपल दिया, कि दुनिया में 90% जो रिसोर्स हैं उन पर केवल 10% लोग जो हैं वो क्या है, जिंदा है, सरवाइव हो रहे हैं। मतलब जिंदा क्या है, उसका लुत्फ उठा रहे, मजे ले रहे हैं, लुत्फ। अमीर लोग की बात हो रही है, 90% रिसोर्सेज 10% अमीर लोगों के पास में, जबकि 10% ऑफ रिसोर्सेज जो है, 10% जो रिसोर्सेज है उस पर 90% जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो अपना पुअर मिडिल क्लास सब मिलकर के अपना काम धाम निकाल रहे हैं। इट इज इनइक्वालिटी, उन्होंने बोला कि यही तो असमानता है, 90 को 90 मिलना चाहिए, 10 को 10 मिलना चाहिए। ये इनइक्वालिटी को जो खत्म कर दे, दैट इज सोशलिज्म। तो उनसे पूछा गया कि सोशलिज्म कैसे आएगा, तो उन्होंने बोला कि इन लोगों से टैक्स के रूप में पैसा लो, टैक्स के रूप में पैसा लो और इनमें बांट दो, दैट इज वेलफेयर। तो सरकार ये कर सकती है, सरकार ये तब कर सकती है जब सरकार के पास सभी संसाधनों पर अधिकार हो। जब इंडिया में सारी चीजों पर गवर्नमेंट का अधिकार होगा तो टैक्स लगा सकती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप, कि फॉर एग्जांपल मैं दिन भर दिन रात पढ़ा पढ़ा के कमाई कर रहा हूँ, पढ़ा पढ़ा के पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन इसमें सारा कुछ मेहनत मेरा, पढ़ाई मेरे पिताजी ने पढ़ाया, सब कुछ ये हुआ, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं कमाता हूँ तो इनकम टैक्स के रूप में सरकार मुझसे पैसे ले लेती है। कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, मान लो आप एक पेन खरीद करके ले आए, किसी कंपनी ने इस पेन को बनाया होगा, किसने इसका रॉ मटेरियल बनाया होगा, गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं बनाया ना, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी क्या ले लेती है, इससे सेल टैक्स ले लेती है, और इसमें एक्साइज ड्यूटी भी ले सकती है। तो ये जो पैसा सरकार लेती है, ये क्यों लेती है, सरकार तब ले सकती है जब इस कंट्री के ऑल द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, सब पर किसका हक चलता हो, गवर्नमेंट का। और तभी तो सरकार क्या कर सकती है, जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को देगी, और सरकार स्कीम्स के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों के लिए वेलफेयर करने का काम करती हैं। यही सोशलिज्म है। तो सोशलिज्म इज अ इकोनॉमिक फिलोसॉफी वेयर मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ओन्ड बाय स्टेट। यही बोला गया है कि जहां पर ये एक आर्थिक दर्शन है जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर किसका स्वामित्व हो,
राज्य का स्वामित्व हो, स्टेट ओन्ड करे, अगर राज्य का स्वामित्व होगा तो राज्य क्या कर सकता है, व्हेन ऑल दीस रिसोर्सेज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको बांटेगी, किन में, गरीबों में, अमीरों में, अमीरों से लेगी, गरीबों में बांटेगी, दैट इज द वेलफेयर। आपने जितनी भी योजनाएं पढ़ी होगी इंडिया में, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स जो होती है वो गरीब लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाती है। देश में जो विकास हो रहा है उसमें वेलफेयर भी सरकार करती है, और यही सोशलिज्म का पार्ट है। लेकिन इंडिया में जब अर्थव्यवस्था की बात आती है, जैसे कि लगातार इकोनॉमिक्स आप पढ़ी रहे होंगे, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है, सोशलिज्म प्लस कैपिटलिज्म की मिक्स्ड इकोनॉमी को हमने अपना लिया था। लेकिन फिलहाल ये जो वर्ड है इसको जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976, ये ध्यान रखना कि सोशलिज्म वर्ड कब जोड़ा गया था। बात करें सेकुलरिज्म की, बात करें सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्षता, ये ध्यान रखना, धर्म निरपेक्षता, या यूं कहें कि हमारे हिंदी शब्द में जो है धर्म की जगह पंथ निरपेक्षता लिखा गया। बात है कि अंतर कुछ भी नहीं है, धर्म निरपेक्षता में और पंथ निरपेक्षता में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना सा है कि भारत में धर्मों से ज्यादा पंथ मिलते हैं, हमारे देश में लोग धर्म से ज्यादा पंथों पर में बटे हुए हैं, जैसे कबीर पंथी, अलवर पंथी, नैनार पंथी, नानक पंथी, ऐसे कई सारे लोगों की विचारधाराओं से जुड़ करके वो उनके पीछे फॉलो करते हैं। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वैष्णव समाज, ऐसे बहुत सारे एक ही धर्म में अलग अलग पंथ बटे हुए, इसलिए धर्म निरपेक्ष को न बोल करके पंथ निरपेक्ष बोला जाता है। बात दोनों का मतलब सेम ही होता है, कोई अंतर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्युलर शब्द है, ये जो सेक्युलर वर्ड है, ये भी 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट जो हमने किया था, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि एक और वर्ड जोड़ा गया था 1976 को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को यहां पर लाया गया था, और इसी के द्वारा ये वर्ड, द वर्ड सेक्युलर एडिट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या प्रियम्बल में जोड़ा गया था, तो प्रियम्बल में इस वर्ड को जोड़ा गया था। तो दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुए, ये दोनों एक ही तो है, 42। क्वेश्चन बड़ा सटीक पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट किया गया, एक ही बार किया गया, लेकिन कितने वर्ड जोड़े गए, तीन वर्ड जोड़े गए, दो तो अभी हमने पढ़ लिए हैं, तीसरा है इंटीग्रिटी, उसको भी यही लिख लेना, बाद में अलग अलग बार नहीं होता, अखंडता, इंटीग्रिटी जो वर्ड है इसको भी जोड़ा गया था। तो इंटीग्रिटी यानी अखंडता शब्द को भी 1976 के 42 अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया, बाकी कोई वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में नहीं जोड़े गए थे। अब मतलब क्या होता है, जरा इसके मतलब को समझ लेते हैं, किसके मतलब को समझ